नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अथर्व वर्मा है। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है कि मार्केट में जो भद्राक्ष बिक रहे हैं रुद्राक्ष के नाम से, उनसे कैसे बचा जाए। तो उनसे बचने का एक सिंपल सा तरीका, और वो ये है कि आप अपने दुकानदार से बात करिए और देखिए कि उसको रुद्राक्ष के बारे में कितनी ज़्यादा नॉलेज है। यहाँ मैं सर्टिफिकेट की बात कर ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि मार्केट में बहुत से फर्जी सर्टिफिकेट बन रहे हैं। भद्राक्ष का सर्टिफिकेट के ऊपर लिख देते हैं नेचुरल रुद्राक्ष और उसके अंदर भद्राक्ष डाल के आपको बेच देते हैं, क्योंकि भद्राक्ष और रुद्राक्ष लगभग सेम दिखते हैं। तो जो फर्जी सर्टिफिकेट बनाने वाले, उन्हें मालूम है कि कस्टमर का जो फोकस है वो सर्टिफिकेट पे है, वो दुकानदार पे नहीं है। कस्टमर का फोकस है सर्टिफिकेट पे, तो सर्टिफिकेट बनाते हैं फर्जी, उस पर लिख देते हैं जी नेचुरल रुद्राक्ष और अंदर डाल दिया भद्राक्ष। तो यहाँ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप कभी भी रुद्राक्ष खरीदें, चाहे ऑनलाइन खरीदें या ऑफलाइन खरीदें, अपने दुकानदार से ये चीज़ पूछिए कि ये रुद्राक्ष है या नहीं है, और उनसे पूछिए कि ये रुद्राक्ष है तो क्यों ये रुद्राक्ष है। तो वो जब आपको नॉलेज देगा तब आपको क्लियर होगा और भरोसा होगा कि मैं जिससे ख़रीदा हूँ उसे नॉलेज है रुद्राक्ष के बारे में, तब जाके आपको सही चीज़ मिलेगी। अदरवाइज़ मैं मार्केट में देख रहा हूँ बहुत से लोग भद्राक्ष बेच रहे हैं, रुद्राक्ष के सर्टिफिकेट में भद्राक्ष डाल के ही बेचे जा रहे हैं। क्योंकि होता क्या है, कस्टमर का जो आजकल का वो है तरीका, किसी की दुकान में जाते हैं, सबसे पहले आके दुकानदार से बोलते हैं जी ये सर्टिफाइड है, ये सर्टिफाइड है, वो सर्टिफाइड है, फलाना सर्टिफाइड है, और दुकानदार को ही मालूम है कि कस्टमर का भरोसा दुकानदार पे नहीं, वो सर्टिफाइड पे है, तो फटक से सर्टिफिकेट पटकता है। अब कस्टमर सर्टिफिकेट में पढ़ता है हाँ जी नेचुरल रुद्राक्ष लिखा है, तो मतलब नेचुरल ही है। कस्टमर को ये मालूम ही नहीं है कि सर्टिफिकेट भी फर्जी बन रहे हैं, उसका भरोसा सर्टिफिकेट पे, हाँ नेचुरल रुद्राक्ष, और होता क्या अंदर भद्राक्ष डला हुआ है, और वो ख़रीद के ले आता है और बढ़िया शौक से पहन रहा है, और फिर 5-6 महीने बाद सोचते हैं कि यार रिजल्ट ही नहीं मिल रहा है। अरे कैसे मिलेंगे रिजल्ट, आप रुद्राक्ष पहने ही नहीं हो, आप भद्राक्ष पहने हो, क्योंकि आपका भरोसा दुकानदार पे नहीं है, आपका भरोसा है सर्टिफिकेट पे, इसलिए आपके साथ चीटिंग हो गई है। तो कभी भी रुद्राक्ष खरीदें तो अपने दुकानदार से बात करें और उससे पूछिए, थोड़ी सी नॉलेज लीजिए रुद्राक्ष के बारे में। इससे दो चीज़ें होंगी, पहली बात आपका दुकानदार पे भरोसा बनेगा, दूसरी बात आपको ये पता चलेगा कि दुकानदार जो सामान बेच रहा है उसे उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में कितनी नॉलेज है, तब जाके तो आपको सही चीज़ दे पाएगा। तो यहीं तक का था दोस्तों आज का वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए और फ्रेश टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।